मनोज तिवारी जी हैं, 10 साल से सांसद वो हैं, तो उनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। इसीलिए अपनी हार से बौखलाहट को देखते हुए वो अपने सामने जो कैंडिडेट है उसके ऊपर हमले करवा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो कितना भी हमला करवा लें और हम उससे घबराने वाले नहीं हैं। और मनोज तिवारी जी, आप तो कहते हैं कि आप बिहारी हैं, और बताइए आप बिहारी होकर के एक बिहारी के ऊपर बाहर से गुंडे बुला करके हमला करवा रहे हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मतदाताओं से आप क्या प्रॉमिस करेंगे? मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि हमारा नारा है शांति, प्रगति और न्याय। शांति, समाज के सभी वर्ग के लोगों के बीच में शांति रहे, लोग प्रेम से भाईचारे से रहें, और जो यह इलाका है जिसमें विकास कम हुए हैं उस विकास को किया जाए, प्रगति को जो है आगे बढ़ाया जाए, और 10 साल से जो लोग अन्याय झेल रहे हैं उस अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना हो। प्रधानमंत्री के लिए आप क्या कहेंगे? आप नहीं, प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे, मैं एक साधारण नागरिक हूँ। प्रधानमंत्री 2 बार के प्रधानमंत्री हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि कल भाजपा समर्थित गुंडों ने एक महिला के ऊपर, एक चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर हमला किया है, तो मैं उनसे यही अपील करूँगा कि प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके सांसद के भेजे हुए गुंडे महिलाओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश हित में वो उन गुंडों के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे।